सिपेन मरियम के पास जाएगा और उसे जाके कहेगा कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। लेकिन दूसरी जानब अनीला बेगम इस शादी से हरगिज़ खुश नहीं होगी। वो जानती हैं कि सप्तैन ने मोहब्बत की शादी की है और वो इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं, क्योंकि उन्होंने सप्तैन को पाला है और बड़ी बहन सिर्फ अपने बहन भाइयों को पालने के लिए उन्होंने शादी नहीं की। यूँ आप देखेंगे कि जो अनीला बेगम होगी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहेगा और वो मरियम की ज़िंदगी बहुत टफ करने वाली है, और यूँ वो सप्तैन को भी पटना पहना कर रखती रहेगी। जैसा कि मरियम के घर से जब नाश्ता देने के लिए आते हैं तो वो कहती है कि क्या ऐसे भी होता है, कोई मर्द साथ आया ही नहीं है, सिर्फ औरतें ही नाश्ता लेकर आई हैं। तो मरियम की अच्छी खासी दलील करेगी और कहेगी कि खानदानी लोग ऐसे नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है, सियाने बुजुर्ग कह के गए थे कि अपनी हैसियत के लोगों में शादी हमेशा करनी चाहिए ताकि कुछ आप उनकी सुने और कुछ वो आपकी सुने। ये बहुत गलत बात है, जिस पर मरियम कहेगी कि हैसियत पैसे से पता नहीं चलती है, आपने बहुत गलत बात कही है, ये मैं आपको बता